यहाँ पे इंडियन हॉस्टल है पीएलटी कॉलेज के कैंपस में, वहाँ पे दो दिन रुका था और आज मेरा तीसरा दिन है और यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को हॉस्टल टूर देता हूँ, सो जो भी नए बच्चे आए तो उसके लिए इजी हो जाए। और मैंने जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे ली है वो फैसिलिटीज़ है कि एयरकॉन वाले रूम है, डबल डेकर बेड है और खाना अच्छा है और हाउसकीपिंग है, वाईफाई है, सब चीज़ इंक्लूडेड है। सो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको हॉस्टल टूर देता हूँ। सो आप जब हॉस्टल के अंदर एंटर करते हो तो पहला एरिया ये आता है विच इज़ रिसेप्शन एरिया, एंड हियर इज़ द सीटिंग एरिया। एज यू कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर एंड सीटिंग हियर, एंड देर इज़ वन टीवी ऑल्सो दे कैन यूज फॉर द गेमिंग और वॉचिंग सम मूवीज। जा रहे देखो यहाँ पे अभी येलो लाइट चालू है और ट्यूबलाइट भी चालू हो गई, और ये लोग इंडिविजुअल टेबल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल डेकर बेड है, जो ऊपर सोएगा उसके लिए ए फैन प्रोवाइड किया है और जो नीचे सोएगा उसके लिए ए फैन है। और यहाँ पे एक एयरकॉन भी है, देख सकते हो कि एयरकॉन आप 24/7 यूज़ कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे एक रूम में चार बच्चे होंगे, सो फॉर ईच एंड एवरी वन दे प्रोवाइड द टेबल। देयर इज़ वन टेबल, हियर इज़ द वन टेबल, हियर इज़ द वन टेबल एंड हियर इज़ द वन टेबल, एंड हियर इज़ द बिग मिरर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सीआर पार्ट, लाइक इन अटैच सीआर। So when you enter into CR, like there is very big CR like this. और अभी हम जा रहे हैं बॉलिंग सेंटर में, और हम जब यहाँ से यहाँ पे आए तब से बॉलिंग सेंटर बंद है, बट हमने डॉक्टर से बात की और वो डॉक्टर ने लेटर बना के हमारे लिए स्पेशल बॉलिंग सेंटर खुलवा दिया है, और ये कॉलेज के अंदर ही है। सो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ बॉलिंग सेंटर में, और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि अंदर का क्या सीन है सब। एंड यहाँ पे बॉलिंग सेंटर के अंदर देख सकते हो कि आप एक्स फूड सेंटर भी है, वाइन सेलर भी है एंड स्नैक बार भी है। सो ये एक्चुअली फ्री तो नहीं है सबके लिए, बट स्टूडेंट गेट कैन एक्सेस द वंस अ मंथ। एंड अगर आपको और भी खेलना हो तो यहाँ से आप कुछ टिकट वगैरह ले सकते हो और खेल सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर बॉलिंग सेंटर के कोर्ट में। और यहाँ बॉलिंग सेंटर के अंदर आप देख सकते हो कि बिलियर्ड्स भी है एंड डार्ट्स भी है सामने, यहाँ पे डार्ट्स भी है यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, अगर स्टूडेंट बोर्ड होए तो वो मंथली एक टाइम यहाँ पे आ सकते हैं, और ज्यादा आना हो तो आपको खुद के लिए पे करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर में, मैं सवानी एंड दर्शन, और वो पीछे से शूट ले रहा है वो आप देख ही लोगे एज अ बी रोल। सो अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा है, यहाँ पे तो बहुत ह्यूज लग रहा है, देखो दिखाता हूँ रुको। और मैं पहुंच गया हूँ कन्वेक्शन सेंटर के अंदर, और देखो दोस्तों कितना बड़ा, ओ माय गॉड। देखो गाइस मेरे पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है और इसमें हम वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, और बड़ा सा स्टेज है यहाँ पे, किसी का ग्रेजुएशन वगैरह होता होगा तो पीछे वाले स्टेज पे होता होगा, और सब तो मस्त है, देखो कितना बड़ा है, ओ माय गॉड दिस इज ह्यूज।
बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट है, वैसा सेम हमारे यूएनपी में भी है और मस्त है। यहाँ पे अगर गेम बेम्स होती होगी तो मजा आता होगा देखने में। जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी अराउंड 2000 के अराउंड है, और वहाँ पे आप जो बड़ा स्टेज देख रहे हो वो स्टेज में वो ब्लैक सी बड़ी एलसीडी है, और यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं और परफेक्ट। सो यहाँ अभी बज गए 7:30 एंड खाना प्रिपेयर हो गया है सब। सो देखते हैं खाने में क्या बना है, और आज एक स्पेशल ओकेशन है क्योंकि यहाँ एक लड़के का बर्थडे है। सो देखते हैं बर्थडे में इन लोगों ने स्पेशल क्या बनाया है, और आज पूरा मैं आपको मेनू दिखाता हूँ और यहाँ पे खाना कैसे बन रहा है वो सब दिखाता हूँ। सो सी, सो इन द मेनू दिस इज द चिकन बिरयानी, दिस इज द वेज बिरयानी विद द मशरूम राइट, दिस इज द मिक्स वेज सब्जी एंड दिस इज द चिकन एंड दिस इज द शेफ हु मेड दिस, थैंक यू। ओके सो नाउ वी फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर ईटिंग एंड देन वी विल गिव यू द रिव्यू हाउ वाज द फूड। हाउ वाज द फूड वेरी गुड, यू लाइक, you all are happy to stay here, yeah. That is the important.